क्या आपने कभी कोविड का टीका लगवाने से होने वाले नुकसान पर विचार किया है? आज हम एक मार्मिक अध्याय में उतरते हैं, जिसमें वह वैक्सीन के बारे में जानते हैं जिसके बारे में कई बहसें हुई, अर्थात एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन। महामारी से लड़ाई में एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक वैक्सीन तैयार की जो दुनिया के लिए आशा की किरण थी। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया और कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया जैसे नामों से बेचा। भारत में इसके 174 करोड़ 90 लाख से अधिक डोज लगे। हालांकि इसे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा माना गया जो जनवरी 2021 में शुरू हुआ था, लेकिन जैसा कि हर बड़े चिकित्सा विकास में होता है, इसके सामने चुनौतियां उठीं और सवालों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे यह वैक्सीन विश्वव्यापी तौर पर लगाई जा रही थी, टीटीएस नामक दुर्लभ बीमारी की सूचनाएं प्रकाशित होने लगीं। टीटीएस की स्थिति में खून के थक्के और खून में कम प्लेटलेट काउंट होते हैं, जिससे अचानक दिल का दौरा या लकवा हो सकता है, तो ऐसे कुछ चुनिंदा मामलों में इसे वैक्सीन के साथ जोड़ा गया था। हालांकि यह एस्ट्राजेनेका ने फरवरी 2024 में यूके हाई कोर्ट में कानूनी दस्तावेज को जमा करने के बाद पहली बार माना कि उसकी वैक्सीन शायद बहुत ही दुर्लभ मामलों में टीटीएस का कारण बन सकती है। इस स्वीकरण ने फार्मास्यूटिकल दिग्गज के खिलाफ एक जारी श्रेणी कार्य मुकदमे में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया है। मुकदमा की शुरुआत जेमी स्कॉट द्वारा हुई थी, जो दो बच्चों डिटो के पिता थे, जिन्होंने 2021 में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के प्राप्त करने के बाद टीटीएस के कारण स्थायी चोट सही थी। स्कॉट के साथ कई परिवारों ने यह आरोप लगाया कि वैक्सीन के दुष्प्रभावों के कारण गंभीर चोटें और कुछ मामलों में मौतें हुई। इन आरोपों का प्रभाव केवल प्रभावित परिवारों पर ही नहीं, बल्कि वैक्सीन की सार्वजनिक धारणाओं पर भी गहरा रहा है। स्कॉट की पत्नी केट ने बताया कि वैक्सीन प्रेरित इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस यानी टीटीएस वैक्सीन से हुआ है। उन्होंने सभी प्रभावित परिवारों के लिए माफी और उचित मुआवजे की मांग की। मुख्यतः एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की यात्रा क्रमशः उत्पादन, वैश्विक वितरण और अब अदालत तक गई है। कंपनी के पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स का स्वीकरण, चालू मुकदमा और प्रभावित परिवारों पर लगने वाला प्रभाव टीकाकरण की जटिलता को बताते हैं। न्यायिक युद्ध जारी है और रहेगा, पर वैज्ञानिक प्रगति और मानव स्वास्थ्य के बीच संतुलन की याद रहना चाहिए, यह पूरे विश्व ने सोचना है। अभी फिलहाल इस खबर से सभी ने डरने की जरूरत नहीं, पर आपके CBC इस खून का रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ये थे आपके डॉक्टर जय। सब्सक्राइब कर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।